ही था। यहाँ बिरंद राजा के खानदान की गैया चरती थी राजाओं की, उसमें जो चराने वाले आते थे उसके साथ, तो उत्पत्ति के बारे में बाबा जी वो लोग चराते थे, तो उसमें से एक गैया प्रतिदिन दूध गिरा देती थी। परिणाम सारा का दर्शन जाती थी तो दूध नहीं होता था दरबार में, जब जाती थी तो पूछ जांच होता था इसका दूध कहाँ गया। तो वो लोग बोले सरकार हमको पता नहीं है, हजूर हमको पता नहीं है ये दूध कहाँ गिरा देती है। शांति रहो, मुझे ये नहीं पता है कि जगह नीचे पकड़ो, हम लोग कोई गलती नहीं करते, बोले छुप छुपा के ये बता कर नाग बाबा। वो दूध अपने आप खड़ी हो करके दूध गिरा देती थी वो गाय। हाँ, जब दूध गिरा दिया तो ये लोग खोद के देखने लगे, ये लोग उसको खोदाई करके देखने लगे मिट्टी पत्थर हटा के, तो अगिन ज्योत का प्रकाश हुआ, वहीं से पशुपति शिवलिंग प्रकट हुआ, वहीं से पशुपति शिवलिंग प्रकट हुआ। फिर उन लोगों ने जाकर के बताया, उसी धमाका से वो लोग दूर गिरा, तो वो लोग जाकर के राजा से बताया कि सरकार आसने लोग बैठ रहे वहाँ शिवलिंग का उत्पत्ति हुआ, ये दूर वही गिराती थी, जब वो सोना हो जाता था तो वो उसका सिक्का बनवाते थे, सिक्का बनवा करके जो जोगी आता था इंडिया का या कहीं का भी जोगी आता था यहाँ शिवरात्रि तपस्या करने, तो ये बड़ा लड्डू बना करके एक एक सिक्का उसमें डाल करके और वो दान करते थे, हर जोगी को देते थे और दक्षिणा विदाई देते थे, किराया भाड़ा देते थे। उसी समय से पूजन होते होते कुछ दिन के बाद क्या हुआ कैसे हुआ ये हमको भी नहीं पता लगा, हम भी यहाँ रहते थे 39 वर्षा से यहाँ तपस्या करते, 39 वर्षा से हाँ हम भी यहाँ रहते हैं, हमको भी चिक्का मिलता था लड्डू मिलता था। अच्छा, तो क्या हुआ कैसे हुआ बिरंद राजा को पूरे खानदान को मरवा दिया गया यहाँ। हाँ। इसी राजपाट के लिए उसी समय से वो शिवलिंग आलोप हो गया, लोहा का सोना बनना बंद हो गया उसी समय से, यहाँ कोई ये बेल्ट पहन करके घुस गया था उसी समय से वो शिवलिंग आलोप हो गया, कोई मोची चमड़े का बेल्ट पहन करके वहाँ मंदिर पे घुस गया इसलिए वो शिवलिंग आलोप हो गया, आलोप होने के बाद लोहा का सोना बनना बंद हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय, पशुपतिनाथ बाबा की जय, बाबा का नाम महादेव, बाबा का नाम मेरा नाम कन्हैया दास निर्वाण जी। आप रहते कहाँ हैं यहाँ काठमांडू में? हम मेन पशुपति में ही तपस्या करते हैं, यहाँ 3 आश्रम मेरा, हाँ जी, एक सुनखानी, 2 लाख का जिला, कालीनाग मंदिर,
ये पशुपति मेन मेरा तपस्या है, मैं इसी पे उस पे चेला पुजारी रहते हैं, मेन हम ज़्यादा यहीं रहते हैं, खाली तीन मेला होता है, मेले मेले में वहाँ जाते हैं। आपका घर कहाँ है? हाँ, मेरा घर नेपालगंज बॉर्डर, उत्तर प्रदेश यूपी, जिला बहराइच, ग्राम अमकोलवा, धनुही तहसील, डाखाना जनूब, खरगोरा। हर हर आप लोग यहाँ 39 वर्ष हो गए रहते हुए। हम भगवान शिव का तपस्या करता हूँ, पूजन करता हूँ, और लोग मुझको दर्शन करता है, मुझको पूछता है। ज्यादातर आप लोग खाते क्या है? हम दाल रोटी सागा खाते हैं, शाकाहारी। खुद बनाते हैं और खुद बना करके खाते हैं? अच्छा, खुद बनाते हैं। ये राम मंदिर का घेरा डाला, हम लोगों को निकाल दिया राम मंदिर से, तीन चार बरसा हो गया, बारंडा सब तोड़वा दिया, अब तोड़ाई फोकाई हटाई कर रहा है, इसलिए कुछ लोग बूढ़े, कुछ लोग बूढ़े आश्रम में रहता है, कुछ लोग इधर उधर रूम लेकर के रहता है, ऐसे ऐसे अपना गुजारा करते हैं, फिर भी मेरा तपस्या जीने मरने का यही है, फिर भी मुझको कितना भी सताएगा लोग, फिर भी मैं पशुपति की तपस्या नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इतिहास मुझे मालूम है, इन्हीं की तपस्या से मुझको शक्ति और ज्ञान प्राप्ति हुआ, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा, कितना भी लोग सताएगा, जो मुझको सताएगा उसको साल भर में लाभ मिलेगा। सत्यम शिवम सुंदरम ओम नमः शिवाय, सत्यम शिवम सुंदरम ओम नमः शिवाय, सत्यम शिवम सुंदरम ओम नमः शिवाय, तीन त्रिभाजु की बात बोलता हूँ, जो मुझको सताएगा उसको साल भर में लाभ प्राप्ति होगा, हम हानि नहीं करते उसको लाभ देते, लाभ 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 देते, तीन त्रिभाजु। क्या चाहते हैं आप लोग? ये पशुपति का ये विकास कोष वगैरह है, नेपाल सरकार है, आपको? कोई मुझको नहीं सताता, हम नहीं झूठ बोलेगा, यहाँ जो आगल पागल साधु आ जाता रस्सी खाने वाला, कोई अंगाली बंगाली गाइड बंगाल से आ गया, वो मुझके मेरे पैर में मार दिया दो चार पाइप लाठी, फिर भी मैं जाके गौशाला पुलिस को बताया, बोला ओ पागल है बाबा छोड़ दीजिए, मैंने फिर भी छोड़ दिया भगवान के नाम पे, हे भगवान तुम ही लाभ देना, हम कुछ भी नहीं करेगा। सत्यम शिवम सुंदरम ओम नमः शिवाय। आपको मारा क्यों? हल्ला मचा रहा था पागल की तरह, बोला क्या देख रहे हो, हमने कहा क्या देख रहा हूँ, तुम्हारा ड्रामा देख रहा हूँ, इसी में पाइप लेके आया, पीछे से मार दिया। गौशाला पुलिस ने आपको कुछ नहीं किया? वो बोला ये पागल है छोड़ दीजिए बाबा। आप लोग चाहते क्या है? अगर ऐसा होता तो हमको यहाँ रहने बसने में थोड़ा, हम तो पशुपति में ही रहेगा, जीना मरना यही है हमारा, क्योंकि मैं 39 वर्ष से ही तपस्या कर रहा हूँ यहाँ। आपका अभी उम्र कितना है? उम्र मेरा 67 वर्ष का, 1957 का जन्म तिथि। इससे पहले आप कहाँ रहते थे? इससे पहले तो मैं इंडिया नेपाल में गंज बॉर्डर नानपारा बहराइच जन्म स्थान। शिव जी का तो बहुत सारा मंदिर है ना? बहुत मंदिर है, जो जहाँ भी उद्घाटन कराने जाता हूँ, मैं तो हिंदू राष्ट्रीय का सदस्य हूँ, हिंदुस्तान में भी और नेपाल में भी, पता लगा लीजिए नेट पे, पता लगाइए, नेपाल में भी हिंदू राष्ट्रीय का सदस्य हूँ, भारत में भी हिंदू राष्ट्रीय का सदस्य हूँ, हिंदू की जय जयकार हो, हिंदू की जय जयकार हो, हिंदू की धर्मा की जय जयकार हो। आपका दाढ़ी बहुत लंबा है, कितने साल से पाल रहे हैं आप लोग? ये हो गया होगा 39-40 वर्ष। 39 वर्ष हो गए? ये भी हो गया होगा। कोई कोई शराबी कबाबी बोलता है तुम लोग आ गया है नकली जटा बरा बना करके, ये नकली है? नहीं नहीं, ये नकली है, ये तपस्या की है, कोई खींच खींच के बढ़ा के दिखाए कितने दिन में बढ़ता है। सत्यम
शिवाम सुंदराम ओम नमः शिवाय, सत्ताम शिवाम सुंदराम ओम नमः शिवाय, सत्ताम शिवाम सुंदराम ओम नमः शिवाय। हो गया, नाक भी चला गया। वो गाया गाया, वो गाया। आया था जो जिस काम से आया और उस काम से गया। किस काम से आया होगा बाबा? इसी दर्शन करने आया, चला गया। न्यूज का दर्शन देने आया है, सब दिखाने आया है। कती आदमी देखा, कती आदमी नहीं देखा। सामान बेचने आए तो आ गया, देख लो। जिसका भाग्य में छोटा रूप में, छोटा रूप दिखाया है आके, वो असली है नकली भी नहीं है। बड़ा रूप दिखा देगा तो रुक में नहीं करता, तुम्हारा कैमरे भाग जाता। लेकिन सही बात, छोटा था। बड़ा रूप में आएगा तब कोई रुकेगा, कहां से भागेगा तब? भगवान के मान मान, भगवान शक्ति की शक्ति है, बोल शक्ति है, उतने ही भगवान की शक्ति है। कैसा लगा मेरा बात? मस्त लगा, मस्त। असली दोहरा है कि नकली? जो ईमानदारी है सब बात असली व्यक्ति होता है। दस बरस हमारे बीत रहा है यहाँ। दस बरस हम सरलाई जिला से आए, हमको सब तक जगह घूमते तब हमको स्वर्ग लगा। तो यहाँ 10 बरस समय बिता रहा हूँ, पशुपति का शरण में भगवती का आनंद ले रहा है। पशुपति के नाम सुना बड़ा महिमा गवा पार है। विश्व देश का आदमी हमारे पशुपति नेपाल का दर्शन लेने आता है, सब संस्कार करता हूँ, सब आनंद लेता हूँ। आपका परिवार में कौन है? लालची नहीं है बाबा, आपका भजन में तपस्या में लगा हुआ। परिवार में कौन कौन है आपका? परिवार में कौन कौन है आपका? भगवान देव का देव महादेव शंभो, कृपा निधान शिवा, सभी देवों का देव महादेव, उनके इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, उनके इजाजत के बगैर कोई देवता कोई कार्य नहीं कर सकता, शिवा के इजाजत के बगैर भगवान कृष्ण भी कुछ नहीं करते, पहले शिवा का ही पूजन करके तब आगे बढ़ते। सभी के देवताओं के ही कहानी से तब जा करके वृंदावन मथुरा में जन्म लिए। सब देवताओं ने ही कहा जा करके आपको जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म ले करके कंस को मार के वहाँ प्रिया को सुखी करना पड़ जाएगा। इसीलिए बिना भगवान शिव के कहे कोई भगवान नहीं जन्म ले सकता। शिव का ही इच्छा होगा उस भगवान का अवतार होगा। हनुमान जी का भी अवतार हुआ शिव के ही वजह से, राम का भी अवतार हुआ, विष्णु का भी हुआ, ब्रह्मा का भी हुआ, शिव के ही हो जाते। ये पृथ्वी का, आकाश का, नारायण का जितना भी अवतार है सब शिव का ही। बाबा माना जाता है कि पशुपतिनाथ शिव जी का सबसे बड़ा मंदिर है। हाँ सबसे बड़ा मंदिर है, पारसमणी का ही मूर्ति था आलोप हुआ जो, तबे तो लोहा का सोना बनता था। वो पारसमणी की ही मूर्ति थी जो उत्पात हुई थी ऑटोमेटिक, तभी लोहा का सोना बनता था। और कहीं दिखाइए पूरे विश्व में ऐसा मंदिर, ऐसा
शिवलिंग कहीं भी नहीं। तो आ गया, फिर आ गया, ना गया। यहाँ देखो, जाने दो, मारना नहीं है तीन को। अपने आप आता है कहीं से, अपना जाएगा दर्शन पाइए, दर्शन दर्शन करने आता है, दर्शन कर जो मारेगा उसका बहुत बड़ा हाल होगा। मारे शिव जी का चट्टान में बैठने वाला है वो, दर्शन कर तो अभी कहाँ से चला गया, कोई चला है कहाँ, वहाँ गया, ये तो उधर भी है, भगवान शिव जी का जन्मस्थल पर बैठने वाला वही है। प्रमाण हो गया बाबा, ठीक है सब सब नमः ठीक है वायु नहीं है। अरे ये कालीनाग मंदिर के महान थे, इतिहास के बारे में पशु जो नाग को हमने गिरफा देखते नाग देखियो, ये बागमती नदी को भी दर्शन करना सकूँ हस्त ये चीज हम बाबा हर सुना भला खुशी सब दर्शन कराने का जय शंभु भोले न जय शंभु जय शंभु दर्शन गराउँदै जय शम्भु भोलेनाथ हाँसे खुसी आफ्नो ठाउँमा सबै छु। एकदम सबै हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पवित्र यो मोहरम चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर मानिन्छ, यसरी कसोटिको अग्रजी आउनु पाउनु भएको छैन, मलाई दर्शन गर्न एकदम पार्थिक शरीरलाई चाहिँ तपाईँले गरिएको व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, कसोटिको आफ्नो एउटा विधि विधान नीति नियम छ, भगवान् कसोटिमा चाहिँ हामी सबैको रक्षा गरिन्छ। जय शङ्कर।